देखिए लूपिंग स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन के बाद अब हमको जो हमारे पास तीन लूपिंग स्टेटमेंट है व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, तीनों का सिंटैक्स देखना है और उसके बाद उनके लिए हम हर लूपिंग स्टेटमेंट के लिए प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल, तो इसमें क्या होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट, जैसे लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये बाहर होगा, उसके बाद होगी यहां पर वाई और इसमें होगी इसकी कंडीशन और फिर ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट रहेंगे और आखिरी पर जाके आपका या तो इंक्रीमेंट होगा या तो फिर डिक्रीमेंट होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा इनिशियलाइजेशन पार्ट लूप के बाहर रहेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो आप अंदर इंटर करेंगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद जाके इंक्रीमेंट होगा या तो फिर डिक्रीमेंट होगा जो भी आप लिखना चाहेंगे, उसके बाद फिर यहां से ये हो गया पहले स्टेप, ये दूसरी और फिर यहां पर ये थर्ड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और यहां से फिर जाकर आपकी कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद अगर ट्रू है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, पहली स्टेप सेकंड कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर इंटर करेंगे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, थर्ड स्टेप के अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा आपका अकॉर्डिंगली जो भी आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद जाके फिर कंडीशन चेक हो, कंडीशन चेक होने के बाद अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक। उसके बाद नेक्स्ट डू व्हाइल, डू व्हाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन पार्ट फिर बाहर रहेगा, उसके बाद पहला कीवर्ड यहां पर आएगा डू और इसमें ध्यान में रखिए कि डू व्हाइल को पोस्ट कंडीशन चेकिंग लूपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है या वन टाइम एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट वन टाइम एग्जीक्यूशन लूपिंग स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्यों, वो आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए। उसके बाद यहां पर आपके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रहेंगे और फिर यहां पर होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और उसके बाद जाके आपकी कंडीशन चेक होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि पोस्ट कंडीशन लूपिंग स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद जाके कंडीशन चेक होगी। अब यहां पर व्हाइल और कंडीशन लगेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे यहां। तो देखिए डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक बार तो भी आपका लूप एग्जीक्यूट होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसके बाद जाकर कंडीशन चेक हो रही। इस सिचुएशन में क्या था, पहले कंडीशन चेक होंगी उसके बाद जाकर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू है यहां पर तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं उसके बाद जाकर कंडीशन चेक होती है, अब अगर आपकी कंडीशन यहां पर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट अगला लूप तो कंटिन्यू नहीं होगा लेकिन वन टाइम तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही, इसलिए इस स्टेटमेंट को वन टाइम एग्जीक्यूशन लूप भी कहा जाता है, इस डू व्हाइल लूप को वन टाइम एग्जीक्यूशन लूप भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा फॉर लूप, फॉर लूप के अंदर हमको फैसिलिटी है क्या, इसे एक ही इसके पैरेंथेसिस में इनिशियलाइजेशन भी होगा, फिर उसके बाद यहां पर कंडीशन चेक भी होगी, लेकिन ध्यान रहे हर एक के बीच में गैप आपका सेमीकोलन से होगा और फिर यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और यहां पर ये आपके स्टेटमेंट्स होंगे। ये मैंने इस तरह से लाइन दिया हूं स्टेटमेंट के डिनोशन स्टेटमेंट्स का नोटेशन,
तो यहां पर फॉर लूप के अंदर देखिए अब एट ए टाइम कैसे होता है, देखिए इनिशियलाइजेशन हमारा पहला पॉइंट है, इनिशियलाइज होने के बाद सेकंड क्या चेक होगी, कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और फिर उसके बाद जाकर ये थर्ड पॉइंट पर हम आएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर हमारी इधर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब यहां पर जनरली आप कंफ्यूज होंगे कि इनिशियलाइजेशन इसके अंदर दिया हुआ है तो फिर डबल से इनिशियलाइज नहीं होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार इनिशियलाइजेशन का पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो फिर डबल उस पर आपका कंट्रोल जंप नहीं करेगा, आपकी जंपिंग इसमें ही चलेगी, कंडीशन स्टेटमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेकिंग, फिर स्टेटमेंट, इधर आप जंप नहीं करेंगे। इसलिए इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार हो। लेकिन ये लूपिंग स्टेटमेंट ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि हो सकता है कि हम इनिशियलाइज करें फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना भूल जाए। इसमें सारी चीजें कंपेयर टू व्हाइल और डू व्हाइल एक ही जगह रहती है। इसलिए इसमें जब भी आपको लूपिंग स्टेटमेंट का कोई प्रोग्राम आता है एग्जाम के अंदर तो आपके लिए सबसे बेटर जो है फॉर लूप ही रहता है कंपेयर टू दीज टू लूप। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से कभी व्हाइल लूप यूज करना होगा, कभी डू व्हाइल, कभी फॉर लूप। कभी ऐसा हुआ कि भाई कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, आपको एक बार तो भी लूप को एग्जीक्यूट करना है, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है, तो आप मेरे को बताओ आप क्या फॉर लूप यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बेटर फॉर लूप है, लेकिन बेटर चॉइस अपनी अपनी होती है। जैसे मेरी बेटर चॉइस क्या है, फॉर लूप है। किसी की बेटर चॉइस व्हाइल हो सकती है, किसी की डू व्हाइल हो सकती है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से भी आपकी चॉइस बदलनी चाहिए। जैसे अगर वन टाइम तो भी ये लूपिंग स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होना, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो आप बताइए आपको व्हाइल लूप कितना भी पसंद हो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डू व्हाइल। आपको फॉर लूप कितना भी पसंद हो इस सिचुएशन में जो मैंने आपसे डिस्कस किया हो, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, डू व्हाइल। तो प्रैक्टिस ऐसी रखिए कि आपको किसी भी लूप से प्रोग्राम लिखते आना चाहिए, लेकिन जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सारी चीजें उस सिचुएशन में बेटर कौन सा है। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से व्हाइल हो सकता, किसी के हिसाब से डू व्हाइल हो सकता, मेरे हिसाब से कौन सा है फॉर लूप। तो सिंटैक्स समझ लीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर हम देखेंगे प्रोग्राम्स।